सरकार ने एमपीएससी की परीक्षा टाली, मराठा समाज के दबाव में लिया गया फैसला, कोरोना संकट बताया कारण। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को निजी टीवी चैनलों के लिए करी एडवाइजरी जारी, जिसमें कहा गया कि केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के तहत किसी भी कार्यक्रम में अर्धसत्य और किसी की मानहानि करने वाले सामग्री का न होना चाहिए प्रसारण। पटरी पर लौटने लगी मनपा की आर्थिक स्थिति, मिले 899 करोड़, शुरू होंगे शहर के विकास कार्य। राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की अंतिम सत्र की परीक्षा विद्यार्थियों के लिए बनी जी का जंजाल, ऑनलाइन में वीवी फेल तो वहीं परीक्षा हुई स्थगित। स्वास्थ्य के मामले में राहत की खबर, शहर में संक्रमितों से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ, लेकिन मौत के आंकड़े अब भी चिंताजनक, पिछले 24 घंटों में 6809 टेस्ट जिसमें से 636 नमूने हुए पॉजिटिव, वहीं 26 की हुई मौत। हल्की बारिश ने बढ़ाई उमस और गर्मी, मौसम विभाग के अनुसार 10 और 11 अक्टूबर को गरज सकते हैं बादल, तो वहीं 12 व 13 अक्टूबर को मूसलाधार बारिश की संभावना। दीक्षा भूमि पर कार्यक्रम करने की हाईकोर्ट से मांगी गई अनुमति, 14 अक्टूबर को धम्म शिक्षा दिवस और 24 से 26 अक्टूबर तक दशहरे के मौके पर धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के आयोजन को दी जानी चाहिए अनुमति। जरीपटका थाने के 2 अधिकारी और 5 कर्मियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज, 5 नाबालिग सहित 6 आरोपियों को अर्धनग्न जुलूस निकाला गया था, बियर बार में तोड़फोड़ और लूटपाट करने का मामला। टिकट कालाबाजारी, 1,46,00,000 के टिकट बरामद, 5 पर्सनल आईडी से बनाए थे 156 टिकट, 41,000 का सामान भी किया गया जब्त, मध्य रेलवे नागपुर मंडल की आरपीएफ टीम ने मारा छापा। ऑनलाइन ठगी मामले में 2 लोगों के खातों से निकाली गई रकम, गिट्टी खदान और वाड़ी थाना अंतर्गत हुई घटनाएं।